स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं गर्ल फ्रॉम नोवेयर। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और स्कूल आई हुई है, जिसको सभी यहाँ पर अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। और वहीं पर हम एक लड़के नानाई को भी देखते हैं। नानाई के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, और इसकी खासियत ये है कि ये लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनको प्रेग्नेंट कर देता है। बेसिकली एक नंबर का हरामी आदमी है, बट फिर भी स्कूल की लड़कियाँ इसके पीछे घूमती रहती हैं, इसकी दीवानी है वो सारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और वहीं स्कूल में आज एंट्री हुई है नानो नाम की एक लड़की की, जिसे देखकर नानाई सोच लेता है कि अब अगला शिकार तो मैं इसको ही बनाऊंगा। अब नानाई उस पे आंखें टिकाकर बैठा हुआ है। जब नानो क्लास में जाती है तो ये न्यू स्टूडेंट है इसलिए इसको वो सीट ऑफर करता है अपने साथ, बट नानो मना कर देती है। बट क्लास में बैठ कर नानो इसको देखती रहती है और वो भी इसको देखता रहता है। और क्लास की एक लड़की जो कि नानो के साथ बैठी है, वो उससे कहती है कि बहन दूर रहियो इससे, वरना तुझे प्रेग्नेंट कर देगा। पर नानो इसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। लंच में ये नानाई के साथ जाकर खाना खाती है और अब इसके आसपास ही घूमती रहती है। दोनों साथ में रहते हैं, मस्ती करते हैं और पूरे स्कूल में शोर मच जाता है और सभी बेट लगाने स्टार्ट कर देते हैं कि नानाई नानो को कितने दिन में प्रेग्नेंट कर देगा। फुल सट्टेबाजी चल रही होती है पूरे स्कूल में, सारे पैसा लगा रहे होते हैं। और यहाँ वो प्रेग्नेंट लड़की जो होती है वो नानो को समझाती है कि बहन दूर रहे उससे, मेरी हालत देख कैसी कर दिया उसने। पर नानो मस्त अपने में ही खुश है। बस फिर क्या, नानाई मौका पाकर नानो को लॉकर रूम में दबोच लेता है। नानो कहती है कि रुक जा यार, अभी तो मिले हैं, सबर रख थोड़ा। नानाई कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भरोसा करो मुझ पे, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। मतलब इसको ये बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही होती है। नानो फिर 3 तक काउंट करती है और दोनों यहीं पर प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं। और नानाई मस्त बाहर आता है और सबको बताता है कि मैंने 3 दिन में उस लड़की को पटाकर उसके साथ सब कुछ कर डाला, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया उसने। अब यहाँ स्टूडेंट बैग में से पर्ची निकाल रहे होते हैं जिस पर सबने लिखा है कि नानो को नानाई कितने दिन में निपटाएगा। पर्ची पर किसी ने 10 दिन लिखा है, किसी ने 8 दिन, किसी दिन 5 दिन, पर किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये सारा जो मामला है वो 3 दिन में निपट जाएगा। यहीं पर नानो आती है और इनसे इस बारे में बातें करने लग जाती है, बिल्कुल नॉर्मल होकर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और यहीं पर एक पेपर नानो का भी निकलता है इसमें से, जिसने लिखा है उस पर 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट पर मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मतलब नानो ने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। बस फिर क्या था, नानो यहाँ से सारे पैसे ले लेती है क्योंकि वो बेट जीत चुकी है। दूसरी तरफ नानाई अब थका थका सा फील करने लगा है। थकान मिटाने के लिए वो नानो के पास आता है प्यार मोहब्बत करने के लिए, पर नानो इसको मना कर देती है और यहाँ से भगा देती है। बस फिर क्या था, नानाई बाहर जाता है और कहता है कि आज से हमारा ब्रेकअप हो गया, जैसा वो हर लड़की के साथ करता है। नानो इसे रोते हुए कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊँगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें। पर नानाई इसकी बिल्कुल नहीं सुनता है। पर नानो हंसने लग जाती है और कहती है कि चले जाए यहाँ से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू क्या है क्या नहीं, निकल यहाँ से। अब ये नानाई देखता है और कहता है ये तो बाकी लड़कियों से अजीब है। बट फिर इसको कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और नानाई एक न्यू लड़की को फंसा लेता है जो कि उसका काम है, और फिर उसको लॉकर रूम में लेकर जाता है। पता है ना क्यों, ये लड़की नानाई के पेट पर देखती है और डर के भाग जाती है क्योंकि इसका पेट बाहर आने लग गया है। और ये बात पूरे स्कूल में जाकर ये फैला देती है। नानाई अब पेट छुपाने की कोशिश करने लग जाता है और नानाई से ना खाया जाता है ना कुछ होता है, बस एनर्जी इसकी डाउन हो रही है दिन पे दिन। और नानाई क्लास में भी पेट छुपाता फिर रहा होता है। इसका गम हटाने के लिए ये फिर से एक न्यू लड़की को पटा लेता है और उसको लॉकर रूम में लेकर जाता है, पता है ना क्यों। और ये लड़की भी सेम डर के भाग जाती है इसका पेट देख के। फिर ये चेकअप करवाने जाता है तो पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। अब इसकी तो बोलती बंद हो जाती है क्योंकि इसका तो कोई जवाब ही नहीं होगा इसके पास, ये हुआ कैसे क्या है। अब पूरे स्कूल में इसकी ये बातें फैल जाती है। इसके फ्रेंड भी पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, और ये गुस्से में बोल देता है कि प्रेग्नेंट हूँ मैं। बस फिर क्या था, नानो ये रिकॉर्ड कर लेती है और पूरे स्कूल में वायरल कर देती है। और बस इसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है, पूरे स्कूल में इसकी दबकर बेचती होती है पहले तो, और फिर इसको अपने पुराने वाले दिन याद आने लग जाते हैं जो जो इसने लड़कियों के साथ किया था। मतलब पहले उनके साथ बुरा करता था और फिर उनको छोड़ दिया करता था। अब नानाई स्कूल भी नहीं जाता, घर पे रहने लग गया। और उसकी फैमिली को भी इस बारे में पता चल चुका है। इसके फादर इसको कहते हैं कि घर से निकल जा और कुछ पैसे देकर इसको घर से भगा देते हैं। अभी अकेले रहने लगा, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। ये अबॉर्शन पिल्स भी खा लेता है जिसकी वजह से इसको उल्टी होने लग जाती है। और लास्ट आइडिया आता है कि पेट में चाकू मार ले। बट तभी बाहर नानो आती है और इसको एक लेटर देकर जाती है जिस पर लिखा है कि तुम्हें जानना है कि तुम्हें प्रेग्नेंट किसने किया है। और ये नानो से मिलने जाता है लड़की का गेटअप लेकर बाहर, और कहता है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुआ। और नानो कहती है कि मेरी वजह से, और यहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए नानाई को इसकी एक्स मिलती है जिसको इसने प्रेग्नेंट कर रखा है। यहाँ नानाई को अपनी गलती का एहसास होता है कि जब वो लड़कियों के साथ इतना बुरा करता था तो वो कैसा फील करती थी, अब इसके साथ भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और ये लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। यह नानाई भी अब सब कुछ झेल रहा है और अबॉर्शन के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है। और कुछ देर बाद अबॉर्शन तो नहीं होता, बट हाँ ये एक लड़की को जन्म देता है। डॉक्टर कहता है कि हम यहाँ पर अबॉर्शन नहीं करते हैं, ये लो अपनी बेटी, तुम्हें मारना इसको तो खुद मार लेना।
नाना इस बच्ची को घर ले जाता है, इसे इरिटेट होने लग जाता है जब वो रो रही होती है, और इसको मारने की भी कोशिश करता है, बट फिर सब कुछ छोड़कर बच्ची को अपना लेता है और पालने लग जाता है। नानू इसे एक दिन मिलने के लिए आती है। नानाई इसे कहता है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, अब सब कुछ अच्छा हो गया, हम मजे में रहेंगे। पर नानू इसकी बेइज्जती करती है पहले तो, और फिर यहाँ से जाने लगती है। रास्ते में इसे इसकी फोटोज मिलती है जिसको किसी ने बिगाड़ रखा है, और फोटोज का पीछा करते हुए एक छत पर पहुंच जाती है जहां पर लिखा हुआ है सी यू सून, और यहां पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, तो अब आप लोग सोचोगे कि ये हुआ क्या। तो ये एक वेब सीरीज है गर्ल फ्रॉम नोवेयर, और इसमें जो हमारी नानू की कैरेक्टर थी है अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग स्कूल में जाकर वहाँ के लोगों को सबक सिखाती है, कुछ बुरे लोग होते हैं उनकी ऐसी तैसी करती है, मतलब एक तरह से किसी को नहीं पता कि लड़की कौन है, मिस्टीरियस गर्ल है पूरी की पूरी। और हर इसके एपिसोड में हमें अलग अलग स्टोरी देखने को मिलती है। ये जो था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये इसके सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और भी अगर इसके आगे के एपिसोड देखने हैं, बेसिकली मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने इसको देख रखा होगा, बट जिसने नहीं देखा है और भी देखने तो कमेंट करके बताना, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और भी ऐसी वीडियोस का, तब तक के लिए बाय।